भाई अपने को बहुत पसंद है राइडर लग जाए ना। जिंदगी में पहली बार ही मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में रात बिताने वाला हूँ। क्या नाम है लोग का? एक दो तीन चार पाँच छः सात और फिर उसके बाद जीरो। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लद्दाख जाऊँगा भाई। लद्दाख जाने का बात कर रहे हैं, इसी से मैं हॉटस्पॉट लिया हूँ भाई से, क्योंकि नेटवर्क नहीं है और चेतन भैया को मेरे को फ़ोन लगाना है। कहाँ रुकना है? लोधाम में पहुँच गया हूँ। ये लोग रुकवा लिए थे मेरे को ऐसी फोटो वोटो खींचने के लिए। पहली बार ही रुकवाया, ऐसा कोई रुकवाता नहीं मेरे को। क्या नाम है भाई, बताओ ना अपना नाम। बताओ। मेरा नाम आकाश तिर्की। अविनाश। आयुष सिंह। अविनाश प्रजापति। अरे बढ़िया यार, सबका नाम ऐसे। भाई अपने को बहुत पसंद है राइडर लग जाए ना, बस राइडर लोग पसंद है बहुत ज़्यादा। तुम लोग कितने बड़े, मतलब एज तुम लोग का क्या होगा? एज हम लोग का 80-90 चल रहा है। मेरा 90 चल रहा है। अच्छा, मतलब सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज वाले। बगे घुमा देंगे जंगल जंगल बगे ही, अभी थक गए होंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, घूम लेंगे भाई, कोई थके नहीं। चलो दिख रहा है जंगल, वही उसी लेन में रहना अपने को। बड़ा पत्थर है हम लोग गाँव के सामने। हाँ हाँ, वहाँ पूरा गाँव दिखता है, हमारा पूरा गाँव दिखता है। चलो चलते, जल्दी चलते हैं तो क्या वहाँ से सनसेट देख लेंगे। हाँ ना, मस्त दिखेगा, दिखने को तो दिखेगा बहुत। हाँ ठीक है, सामान दे दीजिए। कोई रुकने का जुगाड़ हुआ नहीं लोधाम में, मतलब क्या बोलते, चेतन भैया जिनको बोले थे ना तो वो भैया बाहर चले गए, विनय श्रीवास्तव भैया। तो ऐसी ये भाई लोग मिल गए थे मेरे को, तो ये लोग बोल रहे कि आप हम लोग के यहाँ पे रुक जाओ, तो जा रहा हूँ वापस। क्या भल मंडा ना भाई, अब सही बोला ना, वहाँ पे ना थोड़ा मल भंडा माँ और भाव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मेरे को। तो वापस 4 किलोमीटर पीछे जा रहे लोधाम से और वहीं पर, और यहाँ से भाई लोग बता रहे कहीं से सनसेट देखने। कौन सा, क्या बोल रहे थे? बलमंडा जंगल। तो जंगल से पत्थर के पास, बड़ा पत्थर है बहुत बड़ा भाई, लंबा चलना पड़ेगा बता रहे हैं। अरे नीचे गाड़ी रोक लेंगे, गाड़ी नीचे रोक लेंगे, गाड़ी तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके चलो। ठीक है, तो मैं अपना सामान वामाना स्कूटी में डाल दूंगा, वापस जाते हैं साइकिल में, मिलते हैं घर पे इनके। चलो भाई, किस्मत देखो कि मैं ऐसे लोधाम पहुँचा था, मेरे को तीन लोग ऐसे रैंडमली रुकवा लिए थे, अविनाश लोग, और फिर ऐसी फोटो खींचाएंगे करके रुके थे। और उसके बाद मैं लोधाम में, मेरा फ़ोन में नेटवर्क से लगे जियो में, जबकि उन लोग के जियो में नेटवर्क था, अभी भी नहीं आया। 4-5 बार फ्लाइट मोड में डाल के देख चुका हूँ। ये भाई लोग ही बोले अपने को कि चलो हम लोग यहाँ पे भलमंडा में वहाँ रुक जाना करके। तो भलमंडा 4 किलोमीटर पीछे है, तो मैं वापस जा रहा हूँ, और लेकिन अभी सामान नहीं है मेरे बैग में। तो मैं क्या किया, उनके लोग के उन लोग के स्कूटी में अपना सामान छोड़ दिया हूँ, और उन लोग गए चिकन लेने के लिए। तो मैं बोला जब तक उन लोग आ रहे तब तक अपन साइकिल को पीछे चला लेते हैं, 4 किलोमीटर है ना। तो यही अपडेट है भाई, ज़िंदगी में पहली बार ही मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में रात बिताने वाला हूँ। पता नहीं, आई एम स्पीचलेस। हाँ, अब मेरे को एक चीज़ याद आया, और ये क्या याद आया मैं बताऊँ। मेरे को याद आया मोती भोजनालय में वो बसंत भैया की माता जी बैठी थी ना, उन्होंने बोला था कि कोई देता है तो मना नहीं करते। सो चलो भाई, एटलीस्ट रात को सर पे छत तो होगा, इसलिए खुशी जाहिर है चेहरे पे झलक रहा होगा। ये आ गया भलमंडा, भलमंडा। चलो भाई भलमंडा। भाई ये लड़के लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, कितना देर हो गया मेरे को, 15-20 मिनट हो गया मेरे को यहाँ भलमंडा का ऐसा मोड़ पहुँचते हुए। और पूरा सामान उन लोग ही रखे हैं, पोपट तो नहीं हो गया मेरे साथ कहीं पर? और मेरे यहाँ मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर। फाइनली जाके फ़ोन में मेरे नेटवर्क आया है, और फाइनली जाके दूसरी बार में ये फ़ोन उठा भी लिया। भाई अपना वो बोल रहे हैं, उन लोग चिकन कटवा रहे हैं तो उसमें बहुत लेट हो रहा है बोल रहे हैं, तो वो लोग अभी तक निकले ही नहीं हैं वहाँ से, लोधाम से। कर रहे हैं वेट, अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सामान उन लोग के पास छोड़ दिया था मैं, इसलिए तो जल्दी आ पाया ना। सामान रहता तो मैं जल्दी आता हूँ, इसलिए मैं छोड़ दिया सामान। लेकिन अब दिक्कत हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ रहता तो मैं नहा लेता, क्योंकि यहाँ पे सामने मेरे को बोरिंग दिख रहा है। एक ठुक दिखाता हूँ, वो रहा बोरिंग, दिखा वो रहा। अब खाली बैठे तो घर में ही फ़ोन लगा लिया जाए, बता दिया जाए कहाँ हूँ, है ना, और किसके यहाँ रुकने वाला हूँ। चल चल, मैं रखता हूँ ना। चल भाई, चलो 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 चलो, मेरे को लगा भाग गए तुम लोग। बाप रे, इतना तेज दौड़ाया साइकिल तुम लोग, गाड़ी साइकिल इसको दे दीजिए। नहीं नहीं, साइकिल मैं चला रहा हूँ, बैठना भाई, तू बैठर बैठर बैठर, मैं चला रहा हूँ साइकिल। चलो चलो चलो, नमस्ते मम्मी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कुनकुरी से निकला था 2-3 दिन पहले।
साइकिल। हाँ मतलब जशपुर में मैं दो दिन रुका था, घुमा आसपास, फिर जशपुर से लुधियान गया था, कोई मिला नहीं तो इन लोग मिल गए थे। जूता उतार दुखी ओहो बढ़िया इसका एक पाँव नहीं है क्या बात है। क्या नाम है इन लोग का, किसका किसका क्या नाम है, इसका रंग क्या है, देख रहे हैं इसका, इसका गांव वाला लोग पैर काट दिया बाहर उठा ना तो रात में। इसका नाम क्या है, ओमी। ओमी ओमी हिटलर पानी दे दो। चले भाई नहा लेते हैं, नहाने के बाद कपड़ा उपड़ा कहाँ है, अरे हाँ यार बैग में है तो लिया वोले? हाँ लेके आता हूँ सबसे कपड़े सही है। हाँ बताया अविनाश बता रहा था, बात किया हम लोग मतलब मेरे को एक लोकेशन अच्छा खासा बात काम आ रहा है। कहाँ है कमरा, क्या नाम है तुम्हारा, सोनिका। सोनिका कितने साल के हो, 5 साल। क्या बात है, चलो किधर बैठो, चलो 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 भाई चलो 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 घूमने। तेरा नाम बता भाई, आदर्श। मेरा नाम शानू। झारखंड में है भाई, जैसे मतलब वो जो कच्ची सड़क शुरू होता है ना वहाँ से हम लोग झारखंड में आ गए। झारखंड में मैं आज ही आ गया जो कल में जाने वाला था, मतलब ये जो पहाड़ी झारखंड में आते हैं। अच्छा भाई तो खेती में कुदा दे रहा है भाई, गाड़ी तो पूरा यार खेत में रास्ता भाई ऑफ रोड इधर से निकाल कर नीचे गड्ढा है। यार सब भाग रहे हो, तुम लोग सब भाग जा रहे हो यार। चल भाई चल भाई चल भाई, वो तो पहले ही पहुंच गया, इसको चढ़ना है थोड़ा सा, चढ़ जाएंगे क्या दिक्कत है। क्या नाम है इस पहाड़ का, इसका नाम बघई। बघई हाँ। मतलब ये वाले पहाड़ के उस पर वो है झारखंड। हाँ ये वो है। ओके अपना रोड वहीं से जहाँ से कच्ची रोड मिला था। क्या हो गया, चलो अरे मस्त दिख रहा है, गोल्डन आर का पूरा खत्म नहीं हुआ, हल्का हल्का शेड दिख रहा है। और ऊपर जाएंगे कि ऊपर पत्थर तक जाएंगे, चलो चलो ऊपर चले। आदर्श तो बहुत भाग रहे हैं भाई, पत्थर तक जाएंगे तो किधर से लोग कहाँ,
इधर बस अविनाश इधर हो रहा गाड़ी बे अविनाश आएगा आएगा चलो चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। कोई दिक्कत नहीं यार अपने को यही सब तो मजा आता है यार चढ़ते हो बच गया जूता छोड़ के आया मैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं नहीं गिरेंगे मैं गिरूँ उसका दिक्कत नहीं है कैमरा नहीं गिरना चाहिए थोड़ा सा लेट हो गया तुम लोग चिकन कटवाने में लेट कर दिए ना मेरे भाई हाँ। नहीं तो मैं वहाँ पता है वहाँ रुका था लोग चिकन कटवाने गए थे हाँ हाँ लोग लेट कर दिए वही ना मैं 4:30 बजे से रुका हूँ पता है मैं ऐसा मूड हो रहा था कि अगर मेरा कपड़ा रहता मेरे साथ मेरे पास में था वहीं पे कुआं था नहीं कुआं हाँ वहीं पे जहाँ आप रुके थे वहाँ पे बड़ा कुआं है पानी अच्छा मैं क्या बाजा बजा रहा है कुछ कुछ तो आवाज आ रहा है हल्दी शादी वादी हो रहा है मस्त दिख रहा है भाई पहाड़ यहाँ से अच्छा हाँ यार ये खुला इलाका आ गया हाँ भाई जो जगमगा रहा है अच्छा वहाँ पे वहाँ से तुम लोगों का गांव दिखेगा ना यहाँ से भाई सही जगह है भाई जबरदस्त जगह है ये पहाड़ मस्त लग रहा है ये हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया है ना ये सनसेट देखने देख मिल रहा था बहुत मजा आता अच्छा जगह है अच्छा मतलब ये आदर्श लोग इससे चढ़ के आते हैं क्या नहीं इधर से आते हैं लेकिन सीधा नहीं चढ़ने आते जैसे घूम के आना पड़ता है हाँ ये भी थोड़ा कैसे कठिन नहीं लग रहा है ये ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को तो है ना घूम के आना पड़ता है हम लोग गाँव से तो हम लोग उधर है तो उधर से आना पड़ता है हम सीधा आएंगे अच्छा हाँ ये शॉर्टकट है तो मतलब वो भी कुछ गाँव है ये वाला ये करमतोली है वो दिख रहा है ज़्यादा वो लोग गाँव है ओके ये करम टोली इधर पे यहाँ पे ये कुछ करम टोली यहाँ पे वो जो एक तो घर दिख रहा है ना मैं पूरा इधर बसती है और अच्छा इधर पे है तो पेड़ से छिप गया है क्या हाँ पेड़ से छिप गया ठीक है जाके दिखाएंगे और लाइट वाला लोगा ओके लाइट वाला दिखेगा नहीं दिखेगा ढंग से दे आगे सामने दिख रहा है इसको लट्टू पहाड़ बोलते हैं लट्टू पहाड़ हाँ कौन सा वो सामने छोटा सा दिख रहा है बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है भाई ये कौन सा पहाड़ है ये वाला ये बहुत अच्छा लगा मेरे को सबसे पहले इसको आके देखा तो ये वाला पता नहीं पहाड़ का नाम तो नहीं जानूंगा लेकिन यहाँ पे वो बस्ती है उधर पे लोग रहते हैं उधर पे हाँ रहते हैं किनारे में क्या बात है अच्छा हाँ हाँ दिख रहा है घर दिख रहा है तो ये छत्तीसगढ़ में आता है यहाँ पे बड़ा डैम है बीच में नहीं दिखाई दे रहा बहुत बड़ा डैम है अच्छा डैम है हाईवे दिख रहा है यहाँ से वो हाईवे तो दिख रहा है हाँ सीधा ये रहा हाईवे यहाँ से दिख रहा है सीधा चले ऊपर चले चलते ये वाला पहाड़ जबरदस्त दिख रहा है मेरे को बस वही बात हो गया ना कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हाँ। कोई बात नहीं अब क्या कर सकते वक्त को अपन रोक नहीं सकते ना भाई उसको तो अलग ही जोश में है थोड़ा सा लेट हो गया ना हम लोग फोटो भी अच्छा आता रिकॉर्ड कर रहे हो क्या हाँ हो गया तो भयंकर थका दिया अपने को तो भयंकर स्पीड चढ़े एकदम चलो भाई सनसेट को चला गया पूरा वो लेट कर दिया हम लोग अब हो गया क्या ही कर सकते हैं हाँ मैं आऊंगा पूरा अंधेरा ही दिख रहा है यार नहीं दिख रहा है किसी का चेहरा नहीं दिख पा रहा है हाँ लेकिन फोटो तो अच्छा आएगा थोड़ा सा अरे अब ब्लरी हो जा रहा है एक जबरदस्त फोटो आ रहा है भाई तो टाइप से यहाँ पहुँच जाते ना तो बढ़िया ये अलग करम टोली है शादी हो रहा है क्या भी शादी हो रहा है
अपना भलमंडा किधर है? ये रहा, ये सामने पेड़ वेड़ दिख रहे वहाँ, ये वाला जो एक ठोक लाइट जल रहा है यही है। दिन में आते ना तो पूरा घर दिखता, मतलब कपर कपर हो गया। अब गोल्डन आवर्स का सेशन टाइम शुरू हुआ भाई, अब जबरदस्त लग रहा है ना आसमान। कीड़े लोग का आवाज मस्त लग रहा है, कीड़े लोग का आवाज आ रहा है ना। चल आदर्श, चल चले, बैठो बैठो, आओ भाई तुम लोग भी। ये अभी मिराल में भाई, मिराल, अब मिराल झारखंड में आता है, ये मेरे को पता नहीं था, अभी पता चला। कुछ देर में छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। क्या कर रहा है? ये कैमरा बना रहा है, देखो वीडियो कर रहा है। बना रहा हूँ, लोग को वीडियो बन रहा है, वीडियो।